दोस्तों, आजकल हर बैंक अकाउंट में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना ही होता है, जिससे कि बैंक आपको नोटिफिकेशंस, ट्रांजेक्शन अलर्ट्स, ओटीपी और स्टेटमेंट भेज सके। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एक ही ईमेल आईडी बनाते हैं और वही ईमेल एड्रेस को हर जगह, हर वेबसाइट, हर ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और वही बैंक में भी दे देते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं बताता हूँ। कभी कभी जाने अनजाने हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देते हैं जहाँ नहीं डालना चाहिए। इससे होता क्या है कि फिर हमें स्पैमिंग, फिशिंग ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं। इससे ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सही तरीका क्या है? हमें मल्टीपल ईमेल एड्रेस बनाना चाहिए और चीजों को डिवाइड करके रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह मेरा एक ईमेल आईडी है जो मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही इस्तेमाल करूंगा, जिसके कई फायदे हैं। नंबर एक, स्पैमिंग फिशिंग ईमेल्स आना कम से कम हो जाएंगे। नंबर दो, उस ईमेल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बैंक रिलेटेड ईमेल्स ही आएंगे, जिसे आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और कोई बैंक का इम्पोर्टेंट ईमेल मिस नहीं करेंगे। नंबर तीन, आप मल्टीपल ईमेल को मोबाइल ऐप जैसे जीमेल ऐप के थ्रू आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। नंबर चार, ऐसा करने से आप अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। नंबर पाँच, आप अपनी किसी दूसरे ईमेल एड्रेस को बैंक में दिए गए ईमेल एड्रेस में ऐसे रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, तो कभी भी कोई पासवर्ड भूलने की स्थिति या किसी और स्थिति में आप उसे आसानी से रिकवर कर पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो देखकर आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को और मजबूत कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।